गुड मॉर्निंग स्टैंडर्ड फोर्थ सब्जेक्ट इंग्लिश यूनिट नंबर एट यूनिट नंबर एट है हमारा गोइंग टू बाय अ बुक यानी बुक लेने जाते हैं वो लोग हमने ये वाली पोएम अगले वीडियो में पढ़ी थी कि दो भाई बहन थे मतलब एक भाई और एक बहन थी और वो दोनों एक उनके दादाजी उनको पैसे देते हैं कुछ पैसे देते हैं तो वो बुक्स खरीदने जाते हैं कौन सी बुक्स खरीदे कब जाए कैसे जाए किसके मतलब अकेले जाए किसी को साथ लेके जाए कौन सी शॉप में जाए बड़ी शॉप में स्मॉल शॉप में ये सब हमने ही पोएम में पढ़ा था अब हम पोएम के बाद स्टार्ट करते हैं वर्कबुक और वर्कबुक में हमारा फर्स्ट टॉपिक है आंसर द क्वेश्चंस हमारा फर्स्ट टॉपिक कौन सा है आंसर द क्वेश्चंस तो चलो बच्चों आप लोग वर्कबुक निकालो और पेज नंबर एटी फोर निकालो और हम स्टार्ट करते हैं इसके क्वेश्चन आंसर्स तो फर्स्ट क्वेश्चन है वाई डीड ग्रैंडफादर फादर गिव द चिल्ड्रन मनी जो दादाजी थे उन्होंने बच्चों को पैसे क्यों दिए यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा वाई डीड ग्रैंडफादर फादर गिव द चिल्ड्रन मनी यानी कि दादाजी ने बच्चों को पैसे क्यों दिए तो लिखना है ग्रांड फादर गेव द चिल्ड्रन मनी टू बाय बुक्स यानी कि दादाजी ने बच्चों को पैसे किस लिए दिए थे तो बुक्स खरीदने के लिए दादाजी ने बच्चों को पैसे बुक्स खरीदने के लिए दिए सेकेंड क्वेश्चन है वाई आर द चिल्ड्रन हैप्पी बच्चे क्यों खुश है बच्चे क्यों खुश थे सॉरी क्यों खुश थे तो लिखना है द चिल्ड्रन आर हैप्पी बिकॉज दे लव टू रीड बुक्स बच्चे बहुत खुश हो गए जब दादाजी ने बोला कि मैं आपको पैसे देता हूँ बुक्स खरीदने के लिए तो वो बहुत ही खुश हो गए क्योंकि उस उन लोगों को पढ़ना बहुत अच्छा लगता था वो लोग खुश हो गए क्योंकि उन लोगों को पढ़ना बहुत ही अच्छा लगता था और दादाजी ने बुक्स खरीदने के लिए पैसे दिए क्वेश्चन थ्री वॉट इज द चिल्ड्रंस कन्फ्यूजन अबाउट गोइंग टू बाई बुक यानी कि बुक्स खरीदने के लिए वो जाने वाले थे तो उनका कन्फ्यूज़न क्या था उसको मतलब क्या उसको उन लोगों को क्या समझ में समझ में नहीं आ रहा था तो लिखना है द चिल्ड्रन्स कन्फ्यूजन इज वेदर दे शूड गो गो नाउ और लेटर और टूडे और टू उन लोगों का क्या कन्फ्यूज़न था मतलब उन लोगों को क्या असमंजस थी कि हम लोग बुक ख़रीदने कब जाए आज जाए अभी जाए बाद में जाए या कल जाए ऐसा उन लोगों का कन्फ्यूज़न था मतलब वो डिसाइड नहीं कर पा रहे थे कि वो बुक्स खरीदने अभी जाए कि बाद में जाए तो वो उन लोगों का कन्फ्यूज़न था कि बच्चे मतलब कुछ डिसाइड नहीं कर पा रहे थे कि वो बुक्स खरीदने कब जाए क्वेश्चन फोर वॉट इज द चिल्ड्रंस कन्फ्यूजन अबाउट वेर दे शुड गो अब बच्चों का जो कन्फ्यूजन था वो किस बारे में था कि वो कहाँ पे जाए वेर यानी कहाँ पे जाए तो आंसर लिखना है द चिल्ड्रंस कन्फ्यूजन इज वेदर दे शुड गो टू द बिग मार्केट और द स्मॉल शॉप तो जाने के लिए कौन सा कन्फ्यूजन था कि वो ऐसा सोचते थे कि हम कौन सी शॉप में जाए बड़े मार्केट में जाए कि छोटी सी शॉप पर जाए मतलब छोटी दुकान में जाए वो बुक खरीदने तो जाने वाले थे पर कहाँ पर जाए उसके लिए वो नक्की कर रहे थे कि हम स्मॉल शॉप में जाए कि बड़ी मार्केट में जाए अब नेक्स्ट क्वेश्चन है नंबर फाइव नंबर डू द चिल्ड्रन गो वीच समबड़ी क्या बच्चे किसी के साथ में गए थे तो बच्चों हम मुझे बताओ ये दो भाई बहन थे वो किसी को साथ में लेकर गए थे नहीं वो तो अकेले गए थे तो लिखना है नो द चिल्ड्रन गो अलोन बच्चे थे वो अकेले ही गए थे नो दिल्ड्रन गो नहीं बच्चे चिल्ड्रन गो टू बुक्स खरीदने के लिए कहाँ पे गए वेर डू द चिल्ड्रन गो टू बुक खरीदने के लिए कहाँ पे गए तो द चिल्ड्रन गो टू द स्मॉल शॉप टू बाय बुक्स बच्चे बुक्स खरीदने के लिए एक छोटी सी शॉप पर गए जहाँ वो अक्सर जाया करते थे तो वो बुक खरीदने के लिए कहाँ गए तो बच्चे बुक खरीदने के लिए छोटी शॉप पर गए Why डू द चिल्ड्रन गो टू द स्मॉल शॉप बच्चे छोटी दुकान में क्यों गए अब क्वेश्चन क्या है पहले था बच्चे कहाँ पर गए तो बच्चे स्मॉल शॉप पर गए थे अब हमारा क्वेश्चन है कि बच्चे स्मॉल शॉप पर क्यों गए तो उसका आंसर है द चिल्ड्रन गो टू द स्मॉल शॉप बिकॉज बच्चे छोटी सी दुकान पर गए क्योंकि दे लाइक इट उनको वो जगह पसंद थी मतलब वो शॉप पसंद थी इट हैज मैनी बुक्स उसके पास बहुत सारी बुक्स थी द मैन इन द शॉप लाइक्स them एंड हेल्प्स them टू और जो वो दुकानदार था मतलब दुकान का मालिक था वो बच्चों को पसंद करता था और उन लोगों की हेल्प भी करता था इसलिए उन्होंने क्यों इसलिए वो छोटी दुकान पर जाना चाहते थे क्योंकि वहाँ पे उसका एक तो फेवरेट शॉप था वो और वहाँ पे बहुत सारी बुक्स मिलती थी और जो दुकानदार था वो भी उस उन लोगों को अच्छी तरह से पहचानता था और बहुत ही पसंद करता था बच्चों अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर एट सामने वाले पेज पर देखो क्वेश्चन एट है है गर्ल नॉट लड़की जो लड़की थी मतलब वो लड़के की बहन थी वो क्या नक्की नहीं कर पा रही थी तो आंसर है द गर्ल कुयुक्स विथ अ lots ऑफ picture और अ बुक विथ अ lots ऑफ स्टोरीज तो वो लड़की क्या डिसाइड नहीं कर पा रही थी तो वो लड़की डिसाइड नहीं कर पा रही थी कि वो अकेली बहुत सारी पिक्चर वाली बुक खरीदे कि बहुत बहुत सारी स्टोरी वाली बुक खरीदे तो लड़की उन दोनों में कंफ्यूजन थी कि मैं बहुत सारे पिक्चर्स वाली बुक खरीदूँ कि मैं बहुत सारे स्टोरी वाली बुक खरीदूँ नेक्स्ट है हेल्प्स द चिल्ड्रन बच्चे जो बच्चे दोनों गए थे उसको मदद किसने की तो बच्चों को मदद किसने की थी द मैन इन द शॉप हेल्प्स द चिल्ड्रन यानी कि जो शॉप पर वो लड़का मतलब मैन था पर्सन था उसने बच्चों की मदद की नेक्स्ट हाउ लॉन्ग डज ईट टेक फॉर द चिल्ड्रन टू डिसाइड विच बुक टू बाय मतलब बच्चों ने कितना टाइम लिया डिसाइड करने के लिए कि वो लोग कौन सी बुक खरीदे तो बच्चों वो दोनों कब तक पढ़े जा रहे थे कितने आवर पढ़ा उन लोगों ने टू आवर मतलब वन आवर हो गया टू आवर हो गया फिर उन लोगों ने डिसाइड किया कि अब हमें ये वाली बुक्स खरीदनी है तो यहाँ पे हम आंसर इस तरह से लिखेंगे इट टेक्स द चिल्ड्रन टू अवर्स टू डिसाइड विच बुक टू बाय वो बच्चों ने दो कलाक लिए मतलब दो घंटे लिए सोचने के लिए कि वो कौन सी बुक खरीदेंगे नेक्स्ट है डज द गर्ल बाय अ पिक्चर बुक क्या लड़के लड़की ने बहुत सारे पिक्चर्स वाली बुक खरीदी तो लड़की ने बहुत सारे पिक्चर्स वाली बुक खरीदी थी बच्चों नहीं तो लिखना है नो द गर्ल बाइज अ फैट बुक विथ मैनी स्टोरीज नहीं लड़की ने तो बहुत सारे स्टोरीज़ वाली बड़ी बुक खरीदी थी पिक्चर्स वाली बुक लड़की ने खरीदी नहीं थी तो लिखना है नो द गर्ल अ फैट बुक विथ मैनी स्टोरीज नहीं लड़की ने तो बहुत सारे स्टोरीज वाली बड़ी बुक खरीदी खरी तो है no, नेक्स्ट क्वेश्चन है और लास्ट क्वेश्चन है विच बुक डज द गर्ल्स ब्रदर बाय वो लड़की के भाई ने कौन सी बुक खरीदी नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा विच बुक डज द गर्ल्स ब्रदर बाय लड़की ने लड़की के भाई ने कौन सी बुक खरीदी तो लिखना है द गर्ल्स ब्रदर बाय अ बिग बुक विथ मैनी पिक्चर्स वो लड़के ने बहुत सारे पिक्चर्स वाली एक खरी बुक खरीदी बहुत ही बड़ी मतलब बाय अ बिग बुक यानी उसने बड़ी बुक खरीदी और वो भी बहुत सारे पिक्चर्स के साथ तो बच्चों यहाँ पे हमारे जो ट्वेल्व क्वेश्चन थे वो फिनिश होते हैं नेक्स्ट वीडियो में हम आगे वाले टॉपिक्स देखेंगे यहाँ पे हम ये वीडियो फिनिश करते हैं थैंक यू